मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं पास्टर जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीजो, आज हम सीखेंगे गलील की झील के बारे में। तो ये जो ऊपर मैंने इमेज शेयर की है, इस इमेज शेयर करने का कोई मकसद था, और ये वॉइस जो मैं कर रहा हूँ इसका भी कोई मकसद है कि अक्सर हम बाइबल खसूसन न्यायनामा पढ़ते हुए हम एक झील का नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गलील की झील। तो इसके बारे में हम सीखते हैं। अजीजों, ये एक छोटा सा मुलक है, इसराइल का मुलक, और दरियाए यर्दन के ऊपर ये झील मौजूद है। जिस तरफ से पानी आता है और एक तरफ बह जाता है, और ये झील जो है जो कि गहरा इलाका है, इस वजह से इस इलाके में पानी जो है वो कुदरती तौर पर खड़ा हो जाता है और ये झील की शक्ल में खड़ा हो जाता है। और एक तरफ से पानी दरिया यर्दन से आता रहता है और दूसरी तरफ से निकलता रहता है, इसी वजह से ये मीठे पानी की झील है। और ये झील जो है ये शुमाली फ़लस्तीन में दिल की शक्ल की झील है, यानी इसकी जो शक्ल है वो तकरीबन दिल जैसी है, इंसानी दिल जैसी। और ये मीठे पानी की झील इसी वजह से है क्योंकि एक तरफ से पानी आता है अपस्ट्रीम से और डाउनस्ट्रीम से निकल जाता है। अजीजो, इसकी जो लंबाई है वो 12.5 मील है, और जब इसकी चौड़ाई का हम देखते हैं तो चौड़ाई 4 से 7 मील ये चौड़ी झील है। अजीजो, बाइबल में इसके मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। अगर आपने मुतालिया करना है तो अगर आप मत्ती की अंजील का 4 बाब शायद, हाँ जी, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें गलील की झील मत्ती की अंजील में इसको कहा गया है। इसी तरह इसको तिबरियास की झील भी कहा गया है, यूहन्ना 6 बाब में। तिबरियास की झील इसलिए कहा गया है क्योंकि तिबरियास का शहर की सरहद इस झील के साथ मिलती थी। इसी तरह गलील के शहर की जो सरहद थी वो भी इसके साथ मिलती थी, इसलिए इसको गलील की झील कहा जाता था। अजीजों, इस छोटे से इलाके में, फ़लस्तीन के इलाके में, कोई 6-7 झीलें तो है नहीं थी, ये एक ही झील थी जिस इलाके के सरहद इस गलील की इस झील के साथ लगती थी, उसी के नाम से इसको पुराने दौर में पुकारा जाता था। इसको गलील की झील भी कहा गया, इसको तिबरियास की झील भी कहा गया, इसको गनेसरत की झील भी कहा गया, लूका 5 बाब में, ठीक है। तिबरियास की झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लफ्ज़ तिबरियास है इसको तबारिया कहा जाता है हिब्रू में। और इस झील, ये जो झील है, ये इस शहर के मगरबी साहिल पर वाक़ है, और इस शहर को हेरोदेस इंतपास ने, आपको मैं ये भी बता दूं कि बाइबल में जो हेरोदेस थे वो सिर्फ एक ही हेरोदेस नहीं था, 5 हेरोदेस थे। कभी इस पर मैं बात करूंगा कितने हेरोदेस थे और वो कौन कौन थे। तो उनमें से एक हेरोदेस था जिसका नाम हेरोदेस इंतपास था, उसने 20 ईस्वी में ये शहर तिबरियास का आबाद किया था, और कैसर तिबरियास के अजाज में इसका नाम तबरेस रखा। और यहूदी इसे नापाक शहर तसव्वुर करते थे। वो इसलिए नापाक शहर तसव्वुर करते थे क्योंकि इसका कुछ हिस्सा एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। ताहम ये एक सितम ज़रीफ़ी है कि बाद में इसमें यहूदी बस के और ये इल्म व फ़ज़ल का मरकज़ बन गया। ये तबरियास शहर के बारे में मैं थोड़ी तफसील दे रहा था, और इसी वजह से इसको तिबरियास की झील भी कहा जाता है। फिर लूका 5 बाब में गनेसरत की झील इसको कहा गया है, और सिर्फ झील भी इसको कहा गया है यूहन्ना 6 बाब में, ठीक है। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे को जब हम पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में इसे किनरत की झील कहा गया है, और ये गिनती 34 बाब में आपको मिलेगा, और इसको बहरे किनरत भी कहा गया है यशुआ 12 बाब में। अजीज़ मसीह यसु के ज़माने में इसके किनारों पर बहुत से शहर आबाद थे, इसमें मछलियों की बहुतात पाई जाती थी। आम तौर पर यह पुरसकून झील होती थी, लेकिन कभी कभार इसके जनूब मशरक से तूफान भी आ जाते थे, और ये हवाला आपको मरकस की अंजील के 4 बाब में मिल सकता है। अजीजों, ये एक छोटी सी तफसील थी इस झील के बारे में। मिसकंसेप्शन अपने जहनों में ना डालिएगा,
ये जितने भी नाम हैं, गनेसरत की झील, सिर्फ झील, तिबरियास की झील, गलील की झील, किनरत की झील, ये सारे इसी के नाम हैं। तो इसलिए बाइबल पढ़ते हुए आप कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत है।